हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है गाइस आप सभी को एक हमारा अनदर न्यू व्लॉग पे। और आज का व्लॉग थोड़ा सबसे अलग है भाई गाइस, सबसे अलग। तो थोड़ा सी स्टोरी मैं आप लोग को बताता हूँ। 6 महीना पहले मेरा छोटा भाई का जो कि रियलमी 6 प्रो फ़ोन था, वो हमारे घर के सामने से चोरी हो गया था, ठीक है, 6 महीना पहले लगभग अगस्त के एंड में। तो गाइस मेरे भाई का एक दोस्त है, वो लोग वहीं फ़ोन ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह में काम करते हैं, तो वो लोग ट्रैक फ़ोन को कर चुके हैं और जिसके पास फ़ोन है उनसे बात कर चुके हैं, ठीक है। तो वो फ़ोन अभी फ़िलहाल रामगढ़ में है और हम लोग अभी BIT में हैं। तो जिसके पास फ़ोन है वो हम लोग को बोले हैं कि हम लोग के पास आइए, बात करिए, फ़ोन वेरीफाई करिए, उसके बाद फ़ोन आपको दिखा दो। और फिलहाल गाइस अभी टाइम हो रहा है, देख सकते हो 9:30 बज रहा है, ठीक है। और वो बोले हैं कि लगभग हम लोग के पास 10 बजे से पहले पहुँचना है, ठीक है। तो गाइस अभी बस हम लोग के पास आधा घंटा बचा हुआ है और लगभग 30 किलोमीटर का रास्ता है, तो गाइस हम लोग तो तुरंत ट्रैवल कर ही लेते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे जाने के बाद हम लोग को पता चलेगा फ़ोन मिलेगा नहीं मिलेगा और फ़ोन कैसे हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इसका आगे का चीज़ हम लोग आप लोग को बताते हैं। फिलहाल गाइज हम लोग अभी रामगढ़ हाटी स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा एक और फ्रेंड आने वाला है, तो जस्ट अभी हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। और देख सकते हो गाइज ये घाटी अभी हम लोग का जस्ट स्टार्ट होने वाला है और उम्मीद है कि 10 से 15 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे जिसके पास फ़ोन है, और उनसे मिल करके बात करेंगे और बात करने के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा वो आप लोग को वीडियो में पता चल जाएगा। फाइनली गाइज हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। हम लोग को बुलाया गया था आर्मी कैंट में और देख सकते हैं आप लोग आर्मी कैंट, तो हम लोग अच्छा रामगढ़ कैंट जो भी हो गाइज, रामगढ़ कैंट या फिर आर्मी कैंट जो भी लिखा हुआ है, हम लोग पहुंच चुके हैं हम अपने साथियों के साथ। और जिसके पास फ़ोन है उसे फ़ोन किया मैंने, तो उन्होंने बोला कि मैं आपके पास आ रहा हूँ गेट के पास, तो फिलहाल वो हम लोग के पास आएगा और हम लोग अभी बात करते हैं उनसे और क्या होगा वो आप लोग को आगे पता ही चल जाएगा, पल ही चल ही जाएगा, ठीक है। तो गाइज हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे, मतलब पहुंच चुके हैं हम लोग रामगढ़। और रामगढ़ में पहुंचने के बाद जिस लड़का ने फ़ोन लिया था उस लड़का के हम लोग ने बुलाया, वो और कुछ कुछ आर्मी वाले भी उनके साथ आए और हम लोग का काफ़ी लंबा लगभग यहाँ पे 1 घंटा के आसपास हम लोग का बातचीत चला। और बातचीत चलने के बाद हम लोग, वो लड़का पहले तो फ़ोन देना नहीं चाह रहा था, बट बाद में उसने काफ़ी बोलने के बाद, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके बड़े भैया ने बोला, तब जा करके उसने फ़ोन रिटर्न करने का बात किया, ठीक है। पहले तो बात काफ़ी लंबा चला जा रहा था, वो बोल रहा था कि हम नहीं दे पाएंगे, सॉरी वगैरह वगैरह, और बीच में बात ये भी हुआ था कि चलो थाना वगैरह चलो, बट हम लोग ने बोला कि ठीक है जरूर चल सकते हैं थाना, बिकॉज हम लोग का कोई गलती नहीं है, गलती आपकी हो भाई, तो हम क्यों डरे, हम लोग थाना जाने के लिए भी तैयार थे। फिर उनके एक बड़े भैया थे, वही बताएं कि थाना होना क्यों जाओगे, तुम लोग अपने आप में सेटलमेंट कर लो। तो हम भी बोले चलिए ठीक है वही करते, सेटलमेंट कर लेते अपने आप में। फिर उन्होंने बोला कि हमने 10,000 में फ़ोन, हम 10,000 में हमने ये फ़ोन खरीदा है, तो आप हमें 5,000 दो। तो मैंने सीधा डायरेक्ट बोल दिया कि मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। फिर वो लोग काफ़ी ज़्यादा सोचे, उसके बाद फिर वो लोग फ़ोन देने के लिए तैयार हो गए। और गाइस वो लोग देख सकते हो फ़ोन हमें वापस, हमारा फ़ोन एकदम फुल्ली कंडीशन में हमें हमारा फ़ोन मिल चुका है। मेरा भाई का जो कि फ़ोन चोरी हुआ था तो वो काफ़ी सैड था, अब फ़ोन देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगा। और जिस इंसान को, मतलब जिसके पास वो फ़ोन था वो किसी थर्ड पार्टी से फ़ोन खरीदा था, ठीक है, और वो कोई फर्जी बिल बना करके दे दिया था। तो गाइज आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वगैरह खरीदे तो ध्यान रखे, और हमेशा QR कोड, बार कोड और ओरिजिनल बिल के साथ ही ले, ठीक है, क्योंकि इसके पास भी फेक बिल आ गया था। तो हमें भाई हमारा तो फ़ोन मिल चुका है तो हम काफ़ी खुश है गाइज, ठीक है। तो फिलहाल हमारे दोस्त लोग जो कि हमारे साथ आए थे और अपना टाइम दिए, तो निकलते हैं गाइज यहाँ से हम लोग फिर से वापस, और जाते टाइम आप लोग को आपको नज़ारा दिखाते हुए चलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। देख सकते हो गाइज सबसे बड़ा भूखा हुआ आदमी को, मतलब
मतलब कहीं भी जाता है तो पेट मुंह तो हमेशा खुल जाता है। और हमारा ये स्वादिष्ट डोसा देख सकते हैं काफी लजीज लग रहा है, मतलब देखने से काफी मतलब क्रिस्पी टाइप वाला फीलिंग आ रहा है, बट पता नहीं खाने के बाद क्या फील होगा देख सकते हैं। सामने हमारे विश्वजीत भैया अभी दबा रहे एकदम रुकना नहीं है, खाना और पहले काफी टेस्टी। तो बताइए रिव्यू दीजिए खाना कैसा रहा। देख सकते गाइस हम लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं, फिर बाय बाय। We'll